नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की बड़ी खबर। यूपी सरकार अगर डाल है तो नकल माफिया पात पात है, ये बात हम यू ही नहीं कह रहे हैं। ताजा कार्रवाई इस बात की चिक चिक कर गवाही दे रही है। मामला यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के जिले कौशाम्बी से जुड़ा है, जहां नकल माफिया से मिली भगत कर सरकारी आईटीआई कॉलेज के प्रिंसिपल अपने संविदा कर्मियों से आईटीआई की परीक्षा के बाद कॉपियां बदल रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पहुंचे एसडीएम सिरातू ने नकल माफिया के हाथ की कठपुतली बने प्रिंसिपल के साथ दो संविदा कर्मियों को कॉपियां बदलते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। यह तस्वीरें देखिए, जहां नकल माफिया के हाथ की कठपुतली बने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में परीक्षा के बाद कॉपियां बदलने का खेल खुलेआम खेला जा रहा है। नकल के इस काले कारनामे में लिप्त विपिन के मुंह से आप खुद ही सुनिए कॉलेज के परिसर में आखिर वह छुट्टी के दिन क्या कर रहा है। सर, यहाँ पे सेमेस्टर परीक्षा है, 5 फरवरी से शुरू है, 15 फरवरी तक हुई। 15 फरवरी का जो पेपर हुआ था वो नकल वहाँ पे हो नहीं पाई तो खराब हो गया। उसी में प्रिंसिपल साहब और अजय सिंह पटेल जो चार्ज हैं, जिनके अंडर में काम करता हूँ, वो अपना कापी वगैरह बाहर लड़कों को दिए हैं बना के लाने के लिए। बना के लाए, मुझे यहाँ रोक दिया गया था कि प्राइवेट कर्मचारी, अगर मैं नहीं रुकता तो मुझे कहते हैं कि उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ये है वो, इसी तरह से दबाव बनाते हैं। तो वही मुझे रोका गया था कि सब लोगों की कापियाँ जमा कर लेना, जब जमा हो जाए तो हम लोगों को बताना, हम आएंगे उसको लगा के। फिर ड्राइंग की, इलेक्ट्रीशियन, फिटर और RAC की, उसमें फेल हो जाते हैं, कोई कुछ किया नहीं। कितने ऐसे लड़के हैं? लगभग सर 250 लड़के। अच्छा, ये बताओ, ये कापियाँ जो आई हैं ये क्या नई दिए हो कि पुरानी वाली ही हैं जो छोड़ दिया था शादी? नहीं, कापियाँ नई गई। नई है। नकल माफिया के साथ मिलीभगत में शामिल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रिंसिपल SK श्रीवास्तव का नाम सामने आने के बाद जब मीडिया ने उनसे प्रदेश की योगी सरकार की मंशा का हवाला देते हुए सवाल किया तो आरोपी प्रिंसिपल ने कहा, उन्हें जानकारी है कि प्रदेश की सरकार साफ सुथरा काम चाहती है, इसके बाद भी कॉलेज में परीक्षा के 3 दिन बाद कापियां बदलने के मामले पर वह खुद ही जवाबदेही को स्वीकार करने के बजाय खुद ही जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का राग अलाप रहे हैं। वो सब चीजें अच्छी ठीक है, हम भी क्या मनसा आप जरा बता दीजिए मुझे, जो है सब कुछ साफ सुथरा हो, कहीं कोई भ्रष्टाचार न हो, सारी चीजें जो है सिस्टमेटिक तरीके से। क्या हो रहा था आपके कॉलेज में? अब जो हो रहा था मुझे अभी पता चला है, अब हमने ये मुझे पता चला है कि कापियां इन्होंने शायद बाहर से लिखवा करके अभी चेंज की है। अब मुझे संज्ञान में आ गए, अब हम इसके बारे में जांच पड़ताल करेंगे। अब एक ही चीज को हम तुरंत जो है कैसे हम कोई वो बता, अकाउंटेबिलिटी किसकी है, जवाबदेही किसकी है, रिस्पॉन्सिबल? अकाउंटेबिलिटी तो कायदे से जो है इसमें सभी की होनी चाहिए, हमारे ऊपर के भी अधिकारी हैं उनकी भी होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपकी नहीं होनी चाहिए, हमारी तो है ही, बिल्कुल है, हम तो कह ही रहे हैं कि हमारी अकाउंटेबिलिटी है, बिल्कुल है जो है। अब हमारे संज्ञान में भी आई है, अब तो हम उसके बाद देखते हैं कि अब जो है कौन इसके लिए दोषी है, उसके खिलाफ जो होगा किया जाएगा। हम दोषी होंगे तो हमारे खिलाफ जो एक्शन लिया जाएगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। बताया जा रहा है कि 15 फरवरी को आईटीआई की परीक्षा में नकल की शिकायत पर प्रशासनिक अफसरों ने केंद्र में बैठकर परीक्षा कराई थी, जिसका नतीजा यह रहा कि तकरीबन 200 से अधिक छात्र परीक्षा नहीं दे सके। इन्हीं छात्रों की कापियां नकल माफिया ने बाहर से लिखवाकर रविवार को कापी संकलन केंद्र में जमा कराने की कोशिश की थी। नकल माफिया अपने मंसूबे में कामयाब होते उसके पहले SDM SN श्रीवास्तव को किसी ने सूचना दे दी और उन्होंने छापा मारकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। इस कार्रवाई में SDM के हाथ परीक्षा के 3 दिन बाद बाहर से लिख कर आई 63 कॉपियां बरामद हुई हैं। SDM ने कार्रवाई करते हुए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के 2 कमरों को सीज कर दिया है। भाई राजकीय आईटीआई सिरातू में जो है कार्यालय में, उसके दोनों कार्यालय को जहां पे उत्तर पुस्तिकाएं रखी गई हैं वो MR sheets, उनको दोनों को सील करवा दिया गया है, और जो उत्तर पत्रक सीट के रूप में मिले थे उनको हमने सील करके अपने पास रख लिया है, और जैसे उच्च अधिकारी जाँच के दौरान आएंगे उनको हैंड ओवर कर देंगे। यहाँ पे जो जैसा कि बताया गया है, जो यहाँ पे कर्मी जिसके बरामद हुई है काफ़ी, वो बता रहा है कि 15 तारीख को जो परीक्षा हुई थी ड्राइंग पेपर की, वो ड्राइंग कॉपी में चूँकि वहाँ परीक्षा केंद्र पर नकल नहीं हो पाई थी, तो उसी के क्रम में उनको कापियों को जो है दोबारा नकल कॉपी करके उस सीट को जो है भर के यहाँ पे सबमिट किया जा रहा था, कापी को चेंज किया जा रहा था, उसी क्रम में उनको पकड़ा गया। तो 11 कापी तो उसके हाथ से बरामद हुई है जो आज मिली हैं, बाकी उस ऑफिस के अंदर जो है 52 कापी और मिली है, जैसे कि बता रहा है कि ये मेरे द्वारा नहीं ली गई हैं, ये पहले जमा की गई है, कुल 63 कॉपी है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से संवाददाता शिवशंकर मोदनवाल की रिपोर्ट।